हमारे साथ मौजूद हैं नजीर लगारी साहब, इस वक्त हमारे साथ हैं। लगारी साहब, अभी सलमान अकरम राजा साहब की दरख्वास्त मुस्तरद की गई है, जिसमें आज़ाद उम्मीदवार के नाम के साथ उन्होंने कहा कि पार्टी का नाम लिखने की इजाज़त दी जाए। किस तरह देखा आपने इस डेवलपमेंट को? यह उसका तसलसल है जो बदकिस्मती से गैर सियासी रवैयों से पैदा हुआ था। जिस तरह से पीटीआई ने पिछले 1.5-2 साल से सूरत हाल को किया हुआ था, ये उसका एक तसलसल है। और मुझे अफसोस है कि एक सियासी पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़ने वाले को ये फैसला सुनना पड़ा है कि जनाब वो सियासी पार्टी से अपनी वाबस्तगी का नाम नहीं देते। वैसे भी आज आखिरी दिन क्या होना था, चूँकि आज आखिरी दिन है पोलिंग जो काम सारे का सारा जो बैलेट पेपर हैं सब छप चुके हैं और सब पहुँच चुके हैं। अब ऐसे कैसे तब्दील होता, अगर इनका मन नहीं पड़ती तो फिर तमाम लोगों की दरख्वास्तें आ जाती, फिर उनको भी मानना पड़ता। मेरे ख्याल में ये सूरत हाल अफसोसनाक है और इस अफसोसनाक सूरत हाल की सारी जिम्मेदारी उन लोगों की है जो सियासी होने के बावजूद गैर सियासी तर्ज अमल अख्तियार किए हुए थे। ये सब साथ रहेगा, इस पर हम मजीद बात करते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।